हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर जरूर बने रहिए। तो यहाँ पे हम 6 पीस टमाटर ले लिए हैं, इसको कटिंग कर लेंगे। इतना बड़ा बड़ा पीस में कटिंग कर लेंगे टमाटर को। तो यहाँ पे पूरे टमाटर कटिंग कर लिए हैं और बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद फिर हम कटा हुआ इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको अच्छे से ढक्कन लगा के आधे घंटे तक पकने देंगे और बीच बीच में 10-5 मिनट पे चलाएंगे। एक बार इसको खोल के फिर से चलाएंगे अच्छे से। तो टमाटर गलना स्टार्ट हो चुका है, एक बार इसको अच्छे से चला देंगे। और फिर इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे 5-10 मिनट के बाद फिर देखेंगे। फिर से एक बार इसको खोलेंगे। इसके बाद इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे साबित। इसके बाद 3 हरी मिर्च साबित डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद फिर इसको 5 मिनट पकने देंगे ढक्कन लगा के। तो अभी इसका मेन चीज़ बाकी है दोस्तों, तो ऊपर से तड़का लगाना पड़ता है लहसुन का। तो यहाँ पे 2 पीस पूरे लहसुन का ले लिया, इसको छील लेंगे अच्छे से। फिर से इसको एक बार खोल के चलाएं अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा और गलेगा। थोड़ा थोड़ा पीस पीस दिख रहा होगा, तो ये पीस पीस नहीं रहेगा, चटनी रहता। तो इसको और 5 मिनट पकाएंगे ढक्कन लगा के। तो यहाँ पे 2 कली लहसुन का छील के अच्छे से साफ कर दिए हैं, तड़का मारेंगे लास्ट में। तो फिर से इसको खोलेंगे और एक बार फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर का चटनी बनके रेडी हो चुका है और 2 मिनट के बाद इसको ऑफ़ कर देंगे, इसमें फिर तड़का मारेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। तो गाइस, आप इसको ऑफ़ कर देंगे, ये हमारा चटनी बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से टमाटर गल चुका है। देखिए अब इसमें तड़का मारेंगे ऊपर से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पे तड़का मारने के लिए इसमें हम फ्राइंग पैन ले लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे। उसके बाद ये लहसुन का कलिया सारा डाल देंगे इसके अंदर और इसको धीमे गैस पे लहसुन को लाल जब तक ना होना तब तक उसको पकते रहना है, जब तक लहसुन लाल ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लहसुन लाल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लहसुन लाल होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा लाल करेंगे और लहसुन अच्छे से सीख जाएगा तो अच्छा टेस्ट रहता है, कच्चा नहीं रहता है। और इसके बाद काफ़ी सारा इसमें कड़िया पत्ता डाल देंगे। गैस ऑफ कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है और ये है हमारा टमाटर का चटनी। अब इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये हमारा टमाटर का चटनी बन के रेडी हो चुका है। तो इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।